हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। यार आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम किसी भी टू डिजिट्स के स्क्वायर्स को हम इजिली चुटकियों में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज हम आज आपको बताएंगे। बस आपको सिर्फ 2 to 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप ये पाएंगे कि आप इजिली किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, स्क्वायर्स को आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3-4 एग्जांपल के थ्रू हम उस लेवल को थोड़ा और ऊपर तक ले जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग 2 डिजिट्स के नंबर के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से। तो आई थिंक 21 का तो स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा, तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो हमको सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम इस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर हम इस 2 के स्क्वायर को लिख देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इस 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करेंगे, 2 × 1 × 2। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। 4 को हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। अब हमको ये बताओ कि ये जो 441 है ये किसका स्क्वायर है? ये 21 का ही तो स्क्वायर होता है ना, कि और किसी नंबर का है? सो 21 का स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमको 39 का स्क्वायर निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा प्रोसेस यही रहेगा, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। बस आपको एक एडिशनल स्टेप वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। सो ये 39 का स्क्वायर। सो 39 में हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि इस 9 का स्क्वायर लिखेंगे यहां पे। 9 × 9 = 81 और ये 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहां पे। 3 × 3 = 9। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है कि इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 9 × 2। 9 × 3 = 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 54। तो इस 54 को हम यहां पे लिखेंगे। अब मैं 39 का स्क्वायर आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपको कुछ और चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पे क्या होगा कि ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम ऐसे ही एज इट इज ही उतार लेंगे। ये 8 जो है ये 4 पे कैरी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कैरी, मतलब 8 को हम 4 में ऐड करेंगे। तो 8 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 का 2 कितना कैरी गया, कितना बचा? 1 इधर कैरी चला जाएगा, कितना हो गया? ये हो जाएगा अब 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम 9 में ऐड कर देंगे। तो 9 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15। ये 15 21 किसका स्क्वायर है? ये 3921 का स्क्वायर है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं ताकि आप इसको सही से समझ सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 × 9 = 81। फिर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 × 3 = 9। सेकेंड स्टेप में 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 9 × 2। 9 × 3 = 27। 2 = 54। 54 को हम यहां लिख लेंगे। अब इस 1 को हम एज इट इज ही उतार लेंगे। ये जो 8 है ये इस 4 पे कैरी चला जाएगा, मतलब 8 को हम 4 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 8 × 4 = 12। 12 का हम 2 लिख लेंगे, कितना बचा? 1 इस 5 पे कैरी चला जाएगा। 5 × 1 = 6 और 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम 9 में ऐड करेंगे तो 9 × 6 कितना आएगा? 15। सो 15 × 2 = 1 1521। ये किसका स्क्वायर है? ये 39 का स्क्वायर है। अब एक दो स्क्वायर हम और फाइंड आउट कर देंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। उसके बाद आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, इसके नंबर के स्क्वायर्स को आप इजिली चुटकियों में फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार हम नंबर लेते हैं 59 का स्क्वायर। 59 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर। 9 × 9 = 81। फिर 5 का स्क्वायर। 5 × 5 = 25। सेकेंड स्टेप में 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 5 इंटू 9 इंटू 2, 9 5 जा 45, और 45 इंटू 2 इक्वल्स टू होता है 90। इस 90 को हम यहां लिख लेंगे। अब हमने बताया था कि ये जो 1 है, ये जो लास्ट डिजिट है, इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे। ये 8 इधर कैरी चला जाएगा, 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। अब ये जो 9 है, ये इधर कैरी चला जाएगा, 9 में 5 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा। कितना बचा? 1। ये 1 इधर कैरी चला जाएगा, तो ये हो गया 3481। सो 3481 क्या है? ये 59 का स्क्वायर है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। अब हम निकालते हैं 99 का स्क्वायर। तो फिर हमको क्या करना है? वही पुराने स्टेप्स को फॉलो करना है। 9 9 81 9 9 81, और फिर 9 into 9 into 2, 9 9 81 81, में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे ख्याल से 162। तो 162 को हम यहां लिख देंगे। हमने बताया था फिर कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम एज इट इज ही लिख देंगे। ये 8 इधर कैरी चला जाएगा, तो 8 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 10। लिखेंगे यहां पे 0। अब वो जो 1 होगा वो यहां कैरी चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा? जब 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 17। अब 17 को हम 1 में ऐड करेंगे, 17 1 18, कितना बचा? 1। अब उस 1 को हम 8 में ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 9। सो 9801 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 90, इज द स्क्वायर ऑफ 99। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। आपको 67 का स्क्वायर बताना है, आपको 78 का स्क्वायर बताना है, इसके बाद आपको 89 का स्क्वायर बताना है। तो यहां पे हम लोगों ने सिर्फ 2 डिजिट्स के स्क्वायर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सिर्फ उसके बारे में डिस्कस किया है। ट्रिक तो 3 डिजिट्स इवन 4 डिजिट्स के स्क्वायर्स को भी निकालने की भी है, लेकिन 8th 9th 10th में सिर्फ 2 डिजिट्स के स्क्वायर तक ही आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कमेंट करेंगे तो 3 डिजिट्स के स्क्वायर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और, यहां पे हमने सिर्फ एक ट्रिक को डिस्कस किया है, स्क्वायर्स को निकालने की 2 to 3 ट्रिक्स होती है। तो अगर आपको वो ट्रिक्स भी जाननी होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही खत्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो पहली बार हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।